सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाली नई दिल्ली सीट से बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरकार नामांकन से एक दिन पहले सोमवार को देर रात अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से बीजेपी से सुनील यादव ताल ठोकेंगे, जबकि कांग्रेस ने रोमेश सभरवाल को उतारा है। कांग्रेस बीजेपी ने अज्ञात योद्धा पर ही दाम लगाया, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों पार्टियों ने केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से वॉकओवर दे दिया है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 2013 में शीला दीक्षित को हराकर मुख्यमंत्री बने थे और दूसरी बार 2015 में रिकॉर्ड मतों से जीतकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुए थे। ऐसे में केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हैट्रिक लगाने के मकसद से मैदान में उतरे हैं। वहीं केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने के लिए विपक्षी दलों को कैंडिडेट के चयन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसके बाद बीजेपी ने युवा मोर्चे के नेता सुनील यादव के नाम पर मुहर लगाई तो कांग्रेस ने NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोमेश सभरवाल पर भरोसा जताया है।